हेलो स्टूडेंट, कल्याणी हाई सेकेंडरी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको AMPBSC मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रशासनिक विकास के बारे में। ठीक है, तो प्रशासनिक विकास का अर्थ क्या होता है ये इसमें समझिए पहले। तो यहाँ पर देखिए, प्रशासनिक विकास का अर्थ होता है कि यह एक नई अवधारणा है जिसका अर्थ होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था का विकास करना, अर्थात प्रशासन को निरंतर क्रियाशील बनाना, प्रशासनिक कुशलताओं को विकसित करना प्रशासनिक विकास कहलाता है। तो सरल भाषा में आप इसे याद रख सकते हैं कि जो प्रशासन का विकास होता है उसी को हम प्रशासनिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक विकास या प्रशासन का विकास कैसे होगा, तो इसको निरंतर हमें क्रियाशील बनाना पड़ेगा। इसके बाद हमें इसमें निरंतर कुशलताओं को विकसित करना होगा, तो वह प्रशासन वह क्या कहलाएगा, प्रशासनिक विकास कहलाता है। अब इसमें कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, तो इसमें देखिए FW Ricks, ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि प्रशासनिक विकास निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति है, यह उपलब्ध साधनों के उपयोग में बढ़ती हुई प्रभावशीलता का प्रतिमान होता है। यह इन्होंने कहा है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, FW Ricks ने, तो इन्होंने कहा कि प्रशासनिक विकास एक निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति है, मतलब जो भी लक्ष्य तय करेंगे उसे हमें प्राप्त करना है, और यह उपलब्ध साधनों के उपयोग में बढ़ती हुई प्रभावशीलता का प्रतिमान होता है। यह इन्होंने कहा है FW Ricks ने। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक विकास किसे कहते हैं या प्रशासनिक विकास की परिभाषा लिखिए, तो ये आपको लिखना होगा। तो आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में और विश्व में जो प्रशासन होता है तो उसका विकास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो परंपरागत तरीके से प्रशासन किया जाता था उसमें और वर्तमान प्रशासन में बहुत अंतर होता है। तो समय के साथ प्रशासन में परिवर्तन करना, इसके बाद उसको क्रियाशील बनाना, यही कहलाता है प्रशासनिक विकास। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसके उद्देश्य क्या है, तो इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो पहला उद्देश्य इसका यह होता है कि प्रशासन की परंपरागत प्रक्रियाओं, पद्धतियों, नियमों तथा मापदंडों में समय के अनुसार परिवर्तन करना, ये इसका पहला उद्देश्य होता है। फिर इसके बाद में दूसरा इसका उद्देश्य यह होता है कि इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था तब तक प्रभावशाली एवं गतिशील रह सकती है जब तक उसमें विकास एवं सुधार निरंतर रूप से होता रहता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि विकास प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, तो जो विकास प्रशासन के लक्ष्य थे उन्हें हमें प्राप्त करना है, ये इसका उद्देश्य होता है प्रशासनिक विकास का। अगला इसका उद्देश्य यह होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था के विकास एवं सुधार पर यह बल देता है जिससे विकास प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रशासनिक व्यवस्था सार्थक भूमिका निभा सके। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें प्रशासनिक क्षमता एवं कार्य कुशलता को बढ़ाना चाहता है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड कि जो प्रशासनिक विकास होता है तो प्रशासनिक विकास से प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होती है, प्रशासनिक विकास से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। तो इस प्रशासनिक क्षमता को और इस कार्य कुशलता को प्रशासनिक विकास में बढ़ावा दिया जाता है, तो ये सब इसके उद्देश्य होते हैं फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक विकास के उद्देश्य बताइए, तो ये आपको लिखना होगा। अब इसके बाद आता है प्रशासनिक विकास की कुछ समस्याएं, तो प्रशासनिक विकास की समस्याएं क्या क्या हैं, तो देखिए इसमें पहली समस्या, तो समस्या से पहले कुछ जानना जरूरी है। तो विकासशील देशों में प्रशासनिक विकास की समस्याएं पाई जाती है, और इन विकासशील देशों में या तीसरी दुनिया के देशों में जो समस्या होती है तो इसका उल्लेख किसने किया था, तो इसका उल्लेख आपको याद रखना है AL Salim, ठीक है, तो AL Salim और फेजल इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द इकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इन्होंने प्रशासनिक विकास की समस्याओं का वर्णन किया है, या जो विकासशील देश की प्रशासनिक समस्या है उसका वर्णन इन्होंने किया है। तो कुछ प्रशासनिक विकास की समस्याएं हैं, तो पहली समस्या है भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जितने भी विकासशील देश होते हैं, ठीक है, तो उन देशों में यह समस्या पाई जाती है। इसके बाद फिर भ्रष्टाचार समाज और प्रशासन का एक अभिन्न अंग बन गया है,
समाज के लोग अपना कार्य करवाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देते हैं और अधिकारी भी फिर बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं करता है। इससे फिर दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता चला जाता है। इसीलिए रॉथवेल कहते हैं, तो रॉथवेल के अनुसार देखिए कि भ्रष्टाचार की समस्या में इसका बढ़ता हुआ स्वरूप, पक्षपात, भाई भतीजावाद, रिश्वत, राजनीतिक हस्तक्षेप आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। तो भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे लेना ही नहीं होता, रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है। अगर आप प्रशासन में रहते हुए झूठ बोलते हैं तो भ्रष्टाचार है, इसके बाद अगर पक्षपात करते हैं भ्रष्टाचार है, अगर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं तो भ्रष्टाचार है, अगर राजनीतिक हस्तक्षेप उसमें देखा जाता है तो भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है लोक सेवकों की समस्याएं। तो लोक सेवकों की समस्या क्या होती है, देखिए नीतियों, कानूनों, योजनाओं, नियमों आदि के क्रियान्वयन का कार्य मूर्त रूप में सेवी वर्ग प्रशासकों के द्वारा ही किया जाता है और इसके लिए प्रत्येक देश में सेवी वर्ग का योग एवं कुशल होना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रशासन की कार्य कुशलता की सफलता का इस वर्ग की क्षमता एवं कुशलता पर निर्भर करती है। इसके बाद फिर इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो लोक सेवकों की समस्या के उदाहरण में जैसे पहली उदाहरण आती है, पहले समस्या है आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित समस्या। इसके बाद फिर ज्ञान एवं कौशल का अभाव, निष्ठावान कुशल प्रशासकों का अभाव, उचित प्रशिक्षण की कमी, जन सेवा की कमी। इसके बाद फिर प्रशासकों और कर्मचारियों के मध्य बढ़ती दूरी। तो ये सारी समस्या होती है जो लोक सेवकों में पाई जाती है। तो जो लोक सेवक होता है वह अपने आप को जनता का स्वामी समझता है, ठीक है, जो कि गलत धारणा है। जबकि जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वहाँ पर बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आप जनता के सेवक हैं न कि स्वामी हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे इनकी पोस्टिंग होती है किसी भी जिले में, तो ये अपने आप को क्या समझने लगते हैं, जनता का स्वामी समझने लगते हैं, जिसके कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें, तो अगली समस्या है संगठनात्मक समस्याएं। तो संगठनात्मक समस्याएं क्या है, तो देखिए इसमें विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की संगठनात्मक संरचना तथा कार्यप्रणाली या कार्यप्रणाली समस्याग्रस्त रहती है। तो जितने विकासशील देश होते हैं, तो इन विकासशील देशों में हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था की जो संगठनात्मक संरचना होती है उसकी कार्यप्रणाली में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की समस्या पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे मध्य एवं निम्न स्तरीय कार्मिकों पर ध्यान न देना, ठीक है, मतलब क्या है कि जो मध्य और निम्न स्तरीय कार्मिक होते हैं तो उन पर ध्यान कम देना या ध्यान ना के बराबर देना, फिर इसके बाद में केंद्रीकरण की अधिकता, फिर इसके बाद में गोपनीयता, फिर विचार विमर्श नहीं होता है या विचार विमर्श का अभाव पाया जाता है, फिर राजपत्रित और गैर राजपत्रित, ठीक है, प्रशासकों में मतभेद या उनमें भेद करना या अंतर करना, इसके बाद फिर अनावश्यक कागजी कार्रवाई को बढ़ावा देना, फिर नवीन तकनीक का अभाव, इसके बाद फिर समितियों एवं आयोगों के गठन आदि ये समस्याएं होती है संगठन की। फिर इसके बाद में अगले आती ऐतिहासिक समस्या। तो इसमें क्या होता है, तो विकासशील देशों में अनेक ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनके कारण प्रशासनिक विकास नहीं हो पाया था। फिर इसका उदाहरण क्या है, तो इसके कुछ उदाहरण है जैसे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, ठीक है। तो साम्राज्यवाद, यह साम्राज्यवादी समस्या प्रशासन की समस्याओं में प्रमुख थी और प्रशासन में जन सहभागिता या जन भागिता की कमी, विकास की उपेक्षा, अविश्वास का अभाव, नवीन विचारों के उदय का अभाव या नियमों और प्रक्रियाओं में अलगाव होना, कुशल पक्ष प्रशासकों की कमी होना, परंपरागत कार्य पद्धति, ये सभी समस्याएं होती है जिसको ऐतिहासिक समस्याओं के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद फिर अगली समस्या आती है भर्ती संबंधी समस्या। तो देखिए यह समस्या में क्या होता है, तो प्रशासन में कुशल एवं सक्षम सेवी वर्ग की भर्ती न होना यह एक बड़ी समस्या होती है। और लोक सेवकों की भर्ती में सैद्धांतिक तौर पर तो भर्ती इस प्रकार से होनी चाहिए, मतलब योग्यता के आधार पर,
तो सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो भर्ती योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कई बार इसमें अयोग्य भी भर्ती हो जाते हैं, जो कि प्रशासन में फिर भ्रष्टाचार जैसे समस्या को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, या प्रशासन में कुशल सेवक नहीं हो पाते हैं या कुशल अधिकारी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की समस्या होती है। अगली समस्या होती है कि कार्य संचालन की समस्याएं। तो भारत सहित अधिकतर जितने भी विकासशील देश होते हैं, तो विकासशील देशों में संगठनों, विभागों, आयोगों, अभिकरणों में कार्य संचालन संबंधी कुछ समस्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें राजनेताओं, जिनको राजनीतिक भी कहते हैं, तथा प्रशासकों के मध्य टकराव, सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों के मध्य विवाद, विभिन्न विभागों, संगठनों तथा अभिकरणों के मध्य कार्यक्षेत्र संबंधी विवाद, प्रशासन में कार्य संबंधी दोहराव की प्रवृत्ति, प्रशासनिक इकाइयों, ठीक है, तो प्रशासनिक इकाइयों के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को लेकर भ्रांतियों, विकेंद्रीकरण की अपेक्षा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का अधिक होना, तो ये समस्याएं भी कार्य संचालन में बाधक होती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, लोक सेवकों की बढ़ती निरंकुशता। तो निरंकुशता मतलब मनमानी करना। तो लोक सेवकों को शासन में प्रतिष्ठा एवं सम्मान अधिक प्राप्त होता है, और जो राजनीतिज्ञ होते हैं, तो राजनीतिज्ञ को अशिक्षा तथा विशेषज्ञता के अभाव में नौकरशाह राजनीतिज्ञों से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो नेता लोग होते हैं, तो कई बार नेता लोग पढ़े नहीं होते या पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जो प्रशासक होता है, अधिकारी होता है, यह पढ़ा लिखा होता है, इसको प्रशासन का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। तो इस कारण क्या होता है कि जो अधिकारी होगा वह नेता से अधिक शक्तिशाली हो जाता है बौद्धिक मामले में। फिर इसके बाद में इसे नई निरंकुशता का नाम दिया जा रहा है, और नौकरशाहों की बढ़ती शक्ति के प्रमुख कारणों में इनका स्थायी होना, उच्च वेतनभोगी तथा राजनीतिज्ञों का अनिश्चित कार्यकाल का होना, ये सब इसमें सम्मिलित होता है। तो जो नेता लोग होते हैं, इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, जबकि जो प्रशासक होता है उसका कार्यकाल निश्चित होता है। इसके बाद फिर जो भी प्रशासक होता है या अधिकारी होता है, इसे नेता से ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा ज्ञान होता है, इसलिए इसमें नेता से ज़्यादा अधिक शक्तिशाली अधिकारी होता है। फिर इसके बाद में जो अधिकारी लोग होते हैं, इनकी सैलरी भी नेताओं से ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से आपको इसमें ध्यान रखना है, ये सारी समस्या इसमें पाई जाती है। तो फिर फेरल हेडी और फ्रेडरिक्स विडनर, इनका यह मानना है कि विकासशील देशों में नौकरशाही राजनीतिज्ञों से अधिक सक्षम और शक्तिशाली होते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ये इसकी समस्या है। अब इसके बाद देखिए आगे, विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास में अंतर क्या होता है। तो पहले देखिए इसमें विकास प्रशासन। तो विकास प्रशासन कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है, ठीक है, जबकि जो प्रशासनिक विकास होता है, तो प्रशासनिक विकास विकास प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक होता है। आ रहा समझ में? जबकि जो विकास प्रशासन है, तो यह किसके लिए आवश्यक है? कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। और प्रशासनिक विकास किसके लिए? तो यह विकास प्रशासन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, और जबकि जो प्रशासनिक विकास होता है, तो इसका क्षेत्र सीमित होता है और संकुचित होता है, मतलब इसका क्षेत्र छोटा होता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि विकास प्रशासन कार्य उन्मुखी एवं लक्ष्य उन्मुखी प्रशासनिक प्रणाली होती है, मतलब जो विकास प्रशासन होता है इसमें कार्य पर और लक्ष्य पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि जो प्रशासनिक विकास होता है, तो यह कार्य उन्मुखी एवं लक्ष्य उन्मुखी प्रवृत्ति को अंजाम देने में प्रशासनिक विकास सहायक होता है। तो प्रशासनिक विकास उसका सहायक के रूप में कार्य करता है, जब कार्य को और लक्ष्य को प्राप्त करना हो तब। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसमें, तो अगला आ जाता है कि जो विकास प्रशासन होता है, तो विकास प्रशासन प्रशासनिक विकास के समय अनुकूल आधार प्रदान करता है। और जो प्रशासनिक विकास होता है, तो प्रशासनिक विकास विकास प्रशासन की सफलता का आधार होता है। तो प्रशासनिक विकास किसकी सफलता का आधार है? विकास प्रशासन की सफलता का आधार होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि
यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक आदि सभी आयामों से संबंधित होता है। जबकि प्रशासनिक विकास विकास प्रशासन की ही आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने से संबंधित होता है और यह विकास प्रशासन का ही एक भाग होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रशासनिक विकास का टॉपिक है ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में अगला जाता है तुलनात्मक लोक प्रशासन। अब तुलनात्मक लोक प्रशासन में इसमें तुलना की जाती है, तो विश्व के जितने भी प्रशासन हैं या विश्व के जितने लोक प्रशासन हैं उनकी तुलना की जाती है, इसलिए इसका नाम है तुलनात्मक लोक प्रशासन। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन से तात्पर्य ऐसे विषय से है जिसके अंतर्गत दो अथवा दो से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना एवं कार्यों की तुलना की जाती है। स्वरूप में यह तुलना राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर और सामयिक स्तर पर हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा तुलनात्मक लोक प्रशासन में, जैसे भारत के लोक प्रशासन और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोक प्रशासन की तुलना की जाती है तो यह भी तुलनात्मक लोक प्रशासन होगा। ठीक है, तो इसमें प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित या प्रशासनिक इकाई की जो संरचना होती है उससे संबंधित तुलना की जा सकती है, उनके कार्य की तुलना की जा सकती है। ठीक है, फिर राष्ट्र राष्ट्र देशों देशों की तुलना की जा सकती है, फिर जो स्थानीय स्थानीय स्तर होते हैं या जो स्थानीय इकाइयाँ होती हैं उनकी तुलना भी की जा सकती है, सांस्कृतिक आधार पर भी तुलना की जा सकती है। तो इस प्रकार से जब तुलना की जाती है, एक देश की तुलना दूसरे देश के प्रशासन से की जाती है तो उसे हम तुलनात्मक लोक प्रशासन कहते हैं। अब इसके बाद में लोक प्रशासन में तुलनात्मक संबंधित दृष्टिकोणों को दो वर्गों में रखा जाता है। तो दो वर्गों में देखिए, पहला वर्ग आता है प्रथम। तो प्रथम जो दृष्टिकोण होता है वह व्यापक दृष्टिकोण होता है और इस व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत इसमें किस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो देखिए इसमें विभिन्न संस्थाओं के परिवेशों, ठीक है, एवं सरकारी अभिकरणों, व्यापारिक निगमों आदि का इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जितने भी सरकारी अभिकरण हैं, फिर जितने भी व्यापारिक निगम होते हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसलिए इसका क्षेत्र कैसा होगा, व्यापक होगा, बड़ा होगा, इसलिए इसको व्यापक दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद फिर दूसरा आता है, तो दूसरा दृष्टिकोण इसका प्रतिपादक कौन है, तो यह दूसरा दृष्टिकोण रिक्स के द्वारा दिया गया है और रिक्स तुलनात्मक शब्दों के लिए या तुलनात्मक शब्द को प्रतिबंधित कर उसे अनुभविक और सिद्धांतपरक अध्ययनों तक सीमित रखते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसमें रिक्स के अनुसार तुलनात्मक अध्ययन क्या है, तो रिक्स के अनुसार तुलनात्मक अध्ययन वह है जो निश्चित रूप से अनुभव संबंधी नोमोथेटिक तथा पारिस्थितिकी हो। अब यहां पर नोमोथेटिक का अर्थ क्या होता है, तो नोमोथेटिक का अर्थ रिक्स ने बताया है गहन तुलनात्मक अध्ययन, और पारिस्थितिकी क्या होता है, तो जब प्रशासन पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, तो आगे और इसको हम आपको बता रहे हैं, तो देखिए इसमें आगे, तो रिक्स ने अपने लेख में कहा था कि लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन में तीन प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। तो तीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं, पहली होती है आदर्शात्मक से अनुभव संबंधी उन्मुखता, मतलब आदर्शात्मक साथ किधर, अनुभव की ओर। फिर इसके बाद में दूसरा है इंडियोग्राफिक से नोमोथेटिक अधिगम उन्मुखता की ओर। तो इंडियोग्राफिक से नोमोथेटिक अधिगम उन्मुखता, इसका मतलब क्या है कि इंडियोग्राफिक से नोमोथेटिक की ओर। अब इंडियोग्राफिक का यहाँ पर अर्थ इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि इंडियोग्राफिक से तात्पर्य है जो ऐतिहासिक घटनाएं होती है। ठीक है, तो उसको इन्होंने रखा है इंडियोग्राफिक में। और नोमोथेटिक क्या होता है, तो इसमें वर्तमान में या फिर जो गहन तुलनात्मक अध्ययन होता है उसको इन्होंने नोमोथेटिक के अंतर्गत रखा है। फिर इसके बाद में गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी उन्मुखता। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे तीन प्रवृत्तियां बताई हैं, तो ये मैं आपको आगे पूरा वर्णन में विस्तार में बता रहा हूं। तो देखिए इसमें, तो इनका वर्णन में पहला वर्णन आता है इसका आदर्शात्मक से अनुभव संबंधी उन्मुखता।
तो इसमें इन्होंने बताया रिक्स ने कि आदर्शात्मक अध्ययनों से तात्पर्य यह है कि जिनमें प्रशासन तंत्र द्वारा कुछ अभिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की वांछनीयता पर बल दिया जाता है तथा जिनका अधिकांश विश्लेषण क्या होना चाहिए के आधार पर केंद्रित होता है, तो इसे इन्होंने आदर्शात्मक से अनुभव संबंधी उन्मुखता कहा है। किसने? रिक्स ने। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है इंडियोग्राफिक से नोमथेटिक अधिगम उन्मुखता। तो यहां पर इंडियोग्राफिक अध्ययन किसी विशेष ऐतिहासिक घटना, एक विशेष प्रशासनिक समस्या, एक विशेष संस्था, एक विशेष राष्ट्र, एक विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र अथवा एक विशेष जीवनी से संबंधित होते हैं और फलस्वरूप इन अध्ययनों में प्रशासनिक विश्लेषण की विषय वस्तु कोई एक विशिष्ट इकाई ही होती है। इसके बाद फिर वही दूसरी ओर तो इन्होंने नोमोथेटिक के बारे में क्या कहा है, तो इन्होंने कहा कि नोमोथेटिक अधिगम ऐसे सामान्यकरण तथा परिकल्पनाओं के निर्माण का प्रयत्न करता है जो व्यवहार की नियमितताओं एवं घटकों के सहसंबंधों को प्रतिपादित करते हैं और इसके अध्ययनों में गहन तुलनात्मक विश्लेषण पर जोर दिया जाता है या गहन तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर रिक्स कहते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन अपने पारंपरिक इंडियोग्राफिक रूप को छोड़कर अब यह नोमोथेटिक रूप धारण कर रहा है। तो ये इन्होंने कहा है, रिक्स ने, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला जाता है तीसरा, गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी उन्मुखता। तो रिक्स के अनुसार पारंपरिक अध्ययनों में प्रशासनिक संस्थाओं का विश्लेषण उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि पर्यावरणों के संदर्भ में कम किया जाता था, ठीक है, उनमें पर्यावरण के प्रशासन पर प्रभाव तथा प्रशासन के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण बहुत कम हुआ करता था, किंतु अब यह स्वीकार किया गया है कि गतिशील पर्यावरण में कार्यरत प्रशासनिक संस्थाओं का वास्तविक व्यवहार बिना उनको पारिस्थितिकी के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता। तो प्रशासन पर पर्यावरण का प्रभाव अवश्य देखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये कहते हैं कि आधुनिक तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययनों में प्रशासन और उसके पर्यावरण के बीच होने वाली गत्यात्मक अंतरक्रियाओं का गहन विश्लेषण करने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये तीनों ही प्रवृत्तियां बताई है इन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत फ्रेडी डब्ल्यू रिक्स ने। तो आपसे एग्जाम में इससे 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अब इसके बाद आगे देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। तो किसका किसका समावेश होता है? तो पहला देखिए इसमें कि तुलना किसी व्यापक सिद्धांत, रूपरेखा या योजना के आधार पर की जाती है। और दूसरा इसमें आता है पॉइंट कि तुलनात्मक विश्लेषण का लक्ष्य प्रशासनिक सुधार या वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज है। फिर इसके बाद में अगला जाता है विभिन्न प्रशासनिक अभिकरण, विभाग या निगम, प्रक्रिया आदि इसमें आते हैं। इसके बाद फिर अगला जाता है प्रशासनिक अभिकरण एक ही संस्कृति या संगठन के भाग अथवा विभिन्न संस्कृतियों या संगठनों के बीच स्थित होते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा, तुलनात्मक लोक प्रशासन में इन पॉइंट्स को शामिल किया गया है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला जाता है उपर्युक्त के अलावा तुलनात्मक लोक प्रशासन के कुछ अन्य प्रयोजन भी होते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि विभिन्न प्रशासनिक रूपों और प्रणालियों की तुलनात्मक परिस्थिति को पहचान कर उनकी सफलताओं एवं असफलताओं के कारण की जांच पड़ताल करना होता है। फिर इसके बाद में प्रशासनिक सुधारों की कार्य नीति को समझना होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि विशिष्ट प्रशासनिक समस्याओं, प्रणालियों का अध्ययन कर सामान्य नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करना होता है। फिर इसके बाद में प्रशासनिक व्यवहार में विभिन्न संस्कृतियों, राष्ट्रों एवं व्यवस्थाओं का विश्लेषण और व्याख्या करना होता है। तो ये सभी तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रयोजन होते हैं जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है
तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत इसमें पहला पॉइंट आता है कि प्रजातांत्रिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। तो देखिए, इसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न देशों को प्रजातांत्रिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो जहां जहां पर जो प्रजातंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, उसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्य, उनका गठन, उनका महत्व आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंग्लैंड की संसदों का तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें प्रशासन पर नियंत्रण के विभिन्न साधनों का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो इसमें देखिए, तो तुलनात्मक लोक प्रशासन में विभिन्न देशों की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के प्रशासन पर नियंत्रण का तुलनात्मक अध्ययन भी इसमें किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे भारत एवं इंग्लैंड के प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का तुलनात्मक अध्ययन करना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, कार्मिक वर्ग के प्रशासन एवं समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन में विभिन्न देशों के कार्मिक वर्ग के प्रशासन एवं उनकी जो समस्या होती है, उनका तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। उदाहरण के लिए कि जैसे रूस और स्विट्जरलैंड के तो कार्मिक वर्ग के प्रशासन है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, कार्यात्मक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन करना। अब कार्यात्मक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन करना, इसके अंतर्गत क्या होता है? तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रशासन आदि कार्यात्मक प्रशासनों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो यह शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाएगा? यह कार्यात्मक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। इसके बाद फिर अगला जाता है, अन्य प्रशासन से तुलना। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में विदेशी प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रशासन, स्थानीय प्रशासन तथा मानव व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन, ये सब इसके अंतर्गत किया जाता है। अब इसके बाद देखिए, फिर कुछ विद्वानों ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में कुछ स्तरों को अध्ययनों में शामिल किया है। तो इसमें तीन स्तर बताए जाते हैं। तो पहला स्तर हो जाता है वृहद स्तरीय अध्ययन, और दूसरा होता है मध्यवर्ती अध्ययन, और तीसरा होता है लघु स्तरीय अध्ययन। ये तीन अध्ययन के बारे में विद्वानों के द्वारा इसे बताया गया है तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में। अब देखिए, इसमें पहला इसका क्षेत्र होता है वृहद स्तरीय अध्ययन। अब वृहद स्तरीय अध्ययन इसमें क्या होता है? तो इस अध्ययन में किसी एक देश की संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन दूसरे देश की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के साथ किया जाता है। तो ऐसे अध्ययन को वृहद स्तरीय अध्ययन के नाम से जानते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण यह है कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों की प्रशासनिक व्यवस्था से अध्ययन करना, और इस अध्ययन में दो देशों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरण का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा आता है मध्य स्तरीय अध्ययन। तो मध्यवर्ती अध्ययन क्षेत्र में दो देशों की प्रशासनिक व्यवस्था के किसी एक बड़े अंग का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे अध्ययन को मध्य स्तरीय अध्ययन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए, भारत और ब्रिटेन में नौकरशाही की तुलना करना, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय सरकार आदि का अध्ययन करना। तो यह अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह अध्ययन मध्यम स्तरीय अध्ययन कहलाता है। इसके बाद फिर अगला जाता है लघु स्तरीय अध्ययन। तो उपर्युक्त दोनों अध्ययनों के विपरीत लघु स्तरीय अध्ययन में सूक्ष्म दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और यह किसी एक संगठन का दूसरे संगठन से उसके प्रतिरूप की तुलना से संबंधित होता है, और इसमें अध्ययन का छोटा और गहन होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लघु स्तरीय अध्ययन का क्षेत्र कैसा होता है? तो इसका क्षेत्र छोटा होता है, परंतु इसमें अध्ययन गहन रूप से करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे भारत एवं अन्य देशों के प्रशासनिक संगठनों, भर्ती या
प्रशिक्षण प्रणाली का अध्ययन करना, तो यह अध्ययन क्या कहलाएगा, लघु स्तरीय अध्ययन कहलाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के महत्व का पहला पॉइंट इसमें आता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन ने सिद्धांतों के निर्माण एवं सामान्यीकरण पर अधिक बल दिया है, पहला महत्व इसका। दूसरा होता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन, ठीक है, तो तुलनात्मक लोक प्रशासन में विश्लेषण के कारण प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। फिर इसके बाद में तुलनात्मक अध्ययन के कारण सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत, व्यापक और गहन हुआ है, जो पहले सीमित और संकीर्ण और सूक्ष्म हुआ करता था। इसके बाद फिर अगला जाता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन ने प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान के मध्य के अंतर को समाप्त कर दिया है, जबकि इससे पहले राजनीति विज्ञान और प्रशासन में अंतर पाया जाता था, जिससे इनमें घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए हैं और प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञानों के व्यापक क्षेत्र से जुड़ गया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला आता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन ने पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर भी बल दिया जाता है, और जिससे अन्य सामाजिक विज्ञानों के बारे में तथा अन्य कौन कौन से कारक प्रशासन को प्रभावित करते हैं, इनकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। अगला इसमें आ जाता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन ने प्रांतीयता एवं क्षेत्रीयता जैसी संकीर्णताओं को या ऐसी समस्याओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है तुलनात्मक लोक प्रशासन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है, और इस प्रकार आत्म केंद्रित रहने के स्थान पर यह व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों तथा प्रशासकों को दूसरे देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझने में सहायता प्राप्त होती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है टी एन चतुर्वेदी के अनुसार। तो टी एन चतुर्वेदी के अनुसार लोक प्रशासन का महत्व क्या है, तो देखिए इसमें टी एन चतुर्वेदी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व बताया है। तो इन्होंने पहला महत्व यह बताया कि तुलनात्मक अध्ययन की क्रांति ने सिद्धांत रचना में अधिक वैज्ञानिकता ला दी है। तो जब तक हमने तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया था, तब तक ये जो सिद्धांत थे इसमें वैज्ञानिकता नहीं आई थी, और जब हमने अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया, तो फिर इसमें भी वैज्ञानिकता आई है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के कारण सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक हुआ है, और पहले यह संकीर्ण सांस्कृतिक बंधनों से बंधा हुआ था। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन से सामाजिक विश्लेषण का क्षेत्र बढ़ाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो टी एन चतुर्वेदी के अनुसार ये तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो इस टॉपिक से आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछें वैसा आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।